Hello and welcome everyone on the platform of Duty Society. हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग बहुत मेहनत से और बेहतर तरीकों से अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे और हम अपने एंड से आपको हर तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हमेशा, चाहे वो आपके रिटन फॉर्मेट के अंदर हो या जो है आपके टेस्ट के तौर पे हो। तो आज हम थोड़ी सी कुछ अहम बातों को डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि फिलिंग ऑफ OMR शीट से होती है। कि जब भी कभी हम OMR शीट की फिलिंग की बात करते हैं तो कई बार कुछ रिलेटेड डाउट्स हमारे रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं कि इसको कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, पेपर कैसे हम अटेम्प्ट करें कि हमारे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकें। उन सारी चीज़ों पे आज हम एक नज़र डालेंगे ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो क्या चीज़ होती है कि आप लोग अपने हॉल टिकट को निकालते हैं और हॉल टिकट आप अपने साथ लेकर के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जिसके अंदर काफ़ी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई होती हैं, है ना। तो अगर हम एक जनरल OMR शीट को देखें ANU की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है बेटा, जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स हमारे पास मौजूद होते हैं और इन कॉलम्स को हमको फिल करना होता है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, जो भी स्टूडेंट अपियर हो रहा है एग्जाम में उसका रिस्पेक्टिव नेम क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है कि है मोहम्मद आमिर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप मोहम्मद लिख रहे हैं, आप पूरा नाम मोहम्मद लिखते हैं, तो आप पूरा MOHAMMAD ये आपका फर्स्ट नेम हो गया, ये इसमें फिल हो गया, ठीक है। अब दूसरा नाम है आपका आमिर, तो आप आमिर जो फिल करेंगे वो एक गैप छोड़ करके इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा मोहम्मद आमिर, ठीक है। या MOHD आप लिख रहे हैं, तो MOHD के बाद आप एक कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे, देन यू विल बी राइटिंग योर लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम और सर नेम की फिलिंग की बात अगर आती है। बिकॉज क्या है बेटा कि हीरो शीट्स होती हैं, ये OMR स्कैनर के थ्रू स्कैन करी जाती हैं और इसको आपको बड़ी बारीकी के साथ फिल करना होता है ताकि कोई भी एरर आज तक ना रह जाए, जिसकी वजह से आपके एग्जाम के अंदर कोई इशू आए कॉपी चेकआउट के टाइम पे, ठीक। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स होते हैं बेटा फॉर इन्विजिलेटर ओनली, ये इन्विजिलेटर के लिए, यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके पर्टिकुलर टीचर मौजूद है उसके लिए ये आपके कॉलम ड्राफ्ट किया गया है कि ही विल बी फिलिंग अप योर रोल नंबर, योर रूम नंबर, जिस रूम में आपको अलॉटमेंट किया गया है, रूम नंबर 11 है या 10 है, जो भी है वो आपके यहाँ पे फिल किया जाएगा और रोल नंबर आपका यहाँ पे फिल किया जाएगा, एंड देन ही विल बी हैविंग योर सिग्नेचर, जो भी उनके सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक। अब कैंडिडेट अपने साइन विद डेट यहाँ पे करेगा, साइन विद डेट ये रखा है बेटा, तो पहले आप अपने रेस्पेक्टिव साइन करेंगे जो भी आपके साइन है, उसके बाद आप जो है डेट डालेंगे कि साहब 21 दिसंबर 2021, इस तरीके से आप अपने डेट को फिल आउट करेंगे ताकि साइन विद डेट है, तो पहले साइन है एंड देन डेट है जो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक। नेक्स्ट कॉलम में आती है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जब आपको हाथ में क्वेश्चन बुकलेट आएगी एग्जामिनेशन की तो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर आपके दिया हुआ होगा जो स्पेसिफिकली आपकी बुकलेट को अलॉट कर रहा हुआ होगा, जो आपकी बुकलेट के ऊपर लिखा हुआ होगा आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसमें आपके तकरीबन 5 कॉलम्स होंगे, उनमें आपको फिलिंग करनी है उन डिजिट्स की जो डिजिट्स आपके दे रखी है, ठीक है, कि आपके 1 2 3 4 5 है तो आपने 1 2 3 4 5 आपने ऐसे फिल कर दिया, ठीक है। या जो भी कोई आपका इस तरीके का एक नाम नंबर दे रखा है उस नंबर की फिलिंग आप यहाँ पे इस कॉलम में करेंगे, ठीक है। फिर एक एंड में आपके बार कोड दे रखा होगा, इस तरीके की लाइनें आपकी बनी रहती हैं, डार्क डार्क लाइनें अगर आपने नोटिस किया हो देखा हो तो इस तरीके की लाइनें होती हैं, दीज आर कॉल्ड द बार कोड्स आपके। ये बार कोड आपके स्पेसिफिक कॉपी का होता है, जो बार कोड जैसे आपके गुड्स और आइटम्स पे दिया होता है सेम वैसे यहाँ पे भी बार कोड आपके अलॉटेड होता है, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इट विल बी देयर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रोल नंबर में। रोल नंबर फिलिंग में बेटा बहुत प्रिसाइसली आपको फिल करना है, और क्यों, क्योंकि बेटा आपको डिजिट्स फिल भी करनी है और उन डिजिट्स को नीचे दिए हुए सर्कल्स के अंदर मार्क भी करना है, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर है मान लीजिए कि 231023, ठीक है, तो अब इस कॉलम में जो 2 का कॉलम है आप उसको प्रॉपरली इंसर्कल करेंगे, 3 दे रखा है 3 दूसरे कॉलम में आप इंसर्कल करेंगे प्रॉपरली,
वन दे रखा है फिर आप उस वन को इंसर्कल करेंगे, जीरो दे रखा है आप फिर उस जीरो को इंसर्कल करेंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर, टू दे रखा है तो फिर आप टू करेंगे उसी सर्कल के अंदर प्रॉपरली कम अप, फिर थ्री दे रखा है तो आप उस थ्री को फिल करेंगे प्रॉपरली उसी सर्कल के अंदर। ये खास ध्यान रहे बेटा कि आपको इन सर्कल्स को प्रॉपरली फिल करना है, कोई हिस्सा इस सर्कल का खाली ना रह जाए, क्योंकि जब OMR स्कैनर वहां पे रखा जाएगा और वो रीड करेगा तो वो रीड करेगा आपके इन मार्क सर्कल्स को भी जो आपने इंटरमार्क कर रखे हैं आपके। तो जो भी कोई रेस्पेक्टिव है नीचे आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर यहाँ पे दे रखे होंगे, 9 तक सॉरी, ठीक है, और उनके थ्रू आपको अपने नंबर्स को ऊपर भी फिल करना है और इन सर्कल्स के अंदर भी आपको फिल करना है, और इस तरीके से फिलिंग करनी है बेटा कि जो है आपका कोई भी एंड, कोई भी हिस्सा आपके ऐसा ना हो कि जो है कहते हैं कि एंड सर्कल में रह जाए। अब ऐसे भी नहीं भरना है आपको कि एकदम आप उसमें छेद कर देंगे, साहब हम MF हुसैन की पेंटिंग बना रहे हैं और उसमें हमने घिसा 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 और उसमें छेद हो गया, तो बहुत बारीकी के साथ बहुत ध्यान से हमें उसकी फिलिंग करनी है। ये ऊपर जो डिजिट दे रखी, कई बार ऐसा होता है कि टू यहाँ दे रखा है, हमने टू सेकंड कॉलम में मार्क कर दिया तो वो क्या होगा, एरर हो जाएगा, कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, चेक नहीं हो पाएगी बिकॉज आपका रोल नंबर प्रॉपरली फिल नहीं हुआ है। तो इसकी फिलिंग के अंदर आपको खास ख्याल रखना है कि किस तरीके से आप नंबर्स को बना रहे हैं और उन नंबर्स को आप सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास कॉलम होता है आईडी नंबर का, आइडेंटिफिकेशन नंबर का आपके, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको ऐसे ही फिल आउट करना है जैसे आपने इसमें फिल किया, जैसे आपका है 1230 है ना 4321, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इसमें भी एन सर्कलिंग करेंगे और हर सर्कल को इस तरीके से करेंगे कि सेंट्रल पोर्शन एंड पोर्शन ये सारा आपका प्रॉपरली कवर हो जाए आपके पेन से, कोई कॉलम आपका छूटा ना रह जाए आपके, इस तरीके से आपको अटेम्प्टिंग करनी है कि कोई भी हिस्सा रह ना जाए। और ये ध्यान जरूर रहे कि जो लाइन आप फिल कर रहे हैं वो उसी लाइन का नंबर है या नहीं है, अब आपने जल्दी जल्दी में ऊपर कुछ और देखा और नीचे कुछ और आपने फिल कर दिया तो वो आपका एरर में काउंट हो जाएगा, या वो नंबर आपके किसी और को अगर अलॉटेड होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन पेपर की सीरीज, किस सीरीज का पेपर है, ए बी सी डी, जो भी सीरीज आपके दे रखी हो, अगर ए दे रखी है तो आप ए को यहाँ पे इंसर्कल करेंगे यहाँ पे प्रॉपरली, और ए को इंसर्कल करने के बाद आप यहाँ इस कॉलम में लिख देंगे ए, ठीक। देन डेट मंथ एंड ईयर, जो डेट आप फिल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 2nd of March, ठीक है, तो 2nd of March में लिखूंगा 02, ठीक है, और मंथ जैसे कि मंथ है मेरा आपके मार्च तो मैं लिखूंगा 03, ईयर है मेरा 2020 तो मैं 2020 यहां पे फिल करूंगा, और उन्हीं को मैं यहां पे इन सर्कल्स को मैं यहां पे आपके मार्क करूंगा जो जो डेट्स मैंने आपके यहां पे चूज करी हैं, जो डेट उस दिन की है उस दिन की डेट को अगर मुझे फिल ऑन करना है तो मैं इस तरीके से आपके फिल आउट करूंगा डेट को मंथ को और ईयर, आ रही बात समझ में बेटा। फिर हमारे पास स्टेटस आता है इंटरनल या एक्सटर्नल, अगर हम इंटरनल हैं तो इंटरनल वाले पे हम सर्कल करेंगे, अगर हम एक्सटर्नल हैं तो हम एक्सटर्नल वाले के ऊपर सर्कल करेंगे। नीचे फिर आपके क्या है, यहां से आंसर की शुरू हो जाती है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन आ गए, सेकेंड है उसके आपके आ गए, थर्ड है उसके आपके आ गए, फोर्थ है उसके आपके आ गए, एंड सो ऑन, इस तरीके से पूरी आपकी आंसर की बनी हुई होती है। तो क्या है बेटा कि आप जब भी इस चीज को फिलिंग करें आप ये ध्यान रखें कि जो जो डेटा आपके बुकलेट के अंदर दे रखा है, जो जो डेटा आपके बुकलेट के अंदर दे रखा है उस डेटा को आप रेलेवेंट तौर के ऊपर इसके अंदर फिल कर सकें, कोई कॉलम कोई मार्किंग खाली ना रह जाए। अगर इन केस किसी चीज में आपको डाउट है, अगर इन केस किसी चीज में डाउट है, किसी नंबर में आपको डाउट आ रहा है, तो आप अपने क्लास में जो इन्विजिलेटर मौजूद है आप उनसे उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि सर मेरे जो है कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट में चार नंबर दे रखे हैं और पांचवा कॉलम पांचवा डिजिट नहीं दे रखा है तो मैं फिलिंग कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पहला कॉलम लाइन छोड़ना है यहां से फिलिंग करनी है 1, 2, 3, 4 की, या पहले कॉलम से फिलिंग करनी है और लास्ट कॉलम को खाली छोड़ना है। मैं ये उस केस में बता रहा हूं कि अगर आपके
क्या नाम है, नंबर्स आपके कम हैं और कॉलम्स आपके ज्यादा दे रखे हैं, तो वो चीज आप अपने इन्विजिलेटर से कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको किस हिसाब से फिलिंग करनी है। लेकिन खास ध्यान ये रखें बेटा कि जो सिग्नेचर आपने अपने फॉर्म में करे हैं वही सिग्नेचर आपके कॉपी में होने चाहिए और वही सिग्नेचर आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन होने चाहिए। इसका सिंपलेस्ट तरीका यह है बेटा, जो भी आपका नाम हो आप सिंपल कर्सिव लैंग्वेज के अंदर आप अपने नाम को लिख दें, उसमें कोई आप डिजाइन और स्टाइल और पैटर्न उसमें ना डिजाइन करें कि पता ये चला कि आपका वो पैटर्न और वो डिजाइन आपकी कॉपी से मैच नहीं कर रहा या एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके साथ मैच आउट नहीं कर रहा है ना। तो आप कंटेम्पररी अगर मैं बात करूं तो इसकी फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई लोगों को, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम सर्कल्स को फिल करेंगे, कैसे हम नंबर्स को फिल करेंगे, कैसे हम डिजिट्स को फिल करेंगे, तो उनकी फिलिंग के लिए ही मैंने आपको ये चीज बताई है कि क्या है, किस हिसाब से फिलिंग है, किस हिसाब से नंबर्स हैं आपके, कहां पे आपको एनसर्कलिंग करनी है, कौन सी एनसर्कलिंग कितनी तरीके से होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आपने इसको ऐसे भर दिया, ये गलत हो जाएगा, या आपने क्या करा, आपने सिर्फ किनारे भर दिए, सेंटर से वो खाली है, अकेले है कोई भी रॉन्ग, आपको पूरे सर्कल पर, कुछ लोग होते हैं कि साहब आधा भर दिया या जल्दी जल्दी में भरा, इस तरीके से भर दिया आपके, नहीं, ये सारे पोर्शन आपके क्या हो जाएंगे, ये एब्सोल्यूट हो जाएंगे, ये गलत कर देंगे आपकी ओएमआर शीट को। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप ओएमआर शीट को फिल कर रहे हो आप अपने नंबर्स को फिल करने के बाद एक बार रीचेक कर लें कि आपने जो नंबर्स फिल करे हैं उनमें कोई एरर तो नहीं है। इसलिए कॉशियसली फिल करें एकदम कि कोई एरर ना आ जाए कि 3 के बाद 0 है, आपने 0 के बाद 0 काउंट ना करके आपने 3 लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। तो पहले प्रॉपरली नंबर्स को देखें, उनको फिल करें और फिर सर्कल्स को आप मार्क करें। ये सर्कल्स की मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके फाइनल आंसर की में ही क्यों ना हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप जो मार्किंग कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, कि आपकी फिलिंग जो है वो इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपके सर्कल जो है वो ओएमआर स्कैनर के अंदर प्रॉपरली रीड किए जा सकें। आ रही बात समझ में? इसीलिए बेटा देखो कई बार ऐसा होता है, अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन पेपर में आंसर्स को फिल करना शुरू करते हैं, कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा फिर हमने उसको मार्क करा, फिर दूसरा पढ़ा फिर हमने उसको मार्क करा। तो उससे बेटर है बेटा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लें, पहले उसको पूरा आप अपने करें, उसके बाद फिर आप ओएमआर में मार्किंग करें, ताकि रश आउट के अंदर ये ना हो कि आपके कुछ ऑप्शंस आगे पीछे मार्क हो जाए, पता ही चला इसका भी ए था, इसका बी था, आपने जल्दी जल्दी में ए ही मार्क कर दिया। तो ऐसा नहीं हुआ, आपके आंसर गलत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के अंदर हम गलत ऑप्शन भर देते हैं, या हमें नीचे वाले में भरना होता है, हम उसी को दूसरे वाले में भर देते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर, तो वो भी एरर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस का साइंस अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप साइंस पूरी सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आप साइंस के कॉलम को पूरा फिल करें प्रॉपरली बैठ करके, फिर आप अगर मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप मैथ्स को आप जो है फिल करें, अगर आप जो है मान लीजिए इंडो इस्लामिक जीके कर रहे हैं 11th एंट्रेंस के लिए तो फिर आप इंडो इस्लामिक जीके फिल करें, या अगर आप 9th एंट्रेंस में दे रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश हिंदी उर्दू अलग अलग लैंग्वेज वाइज आप फिलिंग करें, क्योंकि टाइम को भी सेव करके चलना है। आपके पास 2 घंटे का ड्यूरेशन है, उस 2 घंटे के अंदर आपको पूरे ओएमआर शीट को आपको फिल करना है, तो उसके सिंपल सा है कि जो चीजें आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से आई हैं, जिन्हें आपने याद करा है, जिनमें कैलकुलेशंस नहीं है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उनको फिल कर लीजिए, आपका माइंड भी एक तरफ से सुकून में आ जाएगा कि हाँ इतना पेपर मैंने कर लिया और इसको मैंने ओएमआर में फिल कर लिया। फिर जो कैलकुलेटिव चीजें आती हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गई या फिजिक्स हो गई आपके, उसके बाद आप कैलकुलेटिव चीजों को करिए और कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप उनको फिलिंग करिए, आप मैथ्स की या फिजिक्स की, जिसमें भी आपके कैलकुलेशंस आ रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ आपके मेमोराइजिंग वाला है, आपने मेमोराइज कर लिया आपका काम हो गया, अब आप उसको आगे के एग्जाम में फिल कर सकते हैं, कोई ऐसा बोले ठीक है ना। तो कॉलम वाइज आप फिलिंग करें, सब्जेक्ट वाइज आप उसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर आप फिलिंग करें, ताकि आप अपने टाइम को भी सेव कर सके और टाइमली आप पूरी की पूरी ओएमआर शीट को आप फिल कर सके। ऐसा ना हो कि एंड में आपने सवाल तो सॉल्व कर लिए लेकिन टाइम नहीं बचा ओएमआर फिल करने का, क्वेश्चंस रह गए आपके, है ना। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, साथ के साथ आप फिलिंग करते जाएंगे, तो आपको मेंटल पीस भी रहेगा कि हाँ भाई मेरे इतना क्वेश्चन पेपर हो गया और मैंने उसको फिल कर लिया। इसीलिए पहले
थ्योरेटिकल पोर्शंस जो है आपके, जो आपने याद किए, जैसे लैंग्वेजेस के पेपर हो गए, या आपका जो है बायोलॉजी का हो गया, या आपका केमिस्ट्री का हो गया, जिनमें आपने, जिनमें मेजोरिटी क्वेश्चन मेमोराइज बेसिस पे होंगे आपके, उनको आप यहाँ पहले फिल कर लीजिए, पहले अपने कॉपी के अंदर आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उनको यहाँ पर फिल कर लीजिए, देन गो फॉर द कैलकुलेटिव पार्ट विच इज मैथ्स और फिजिक्स, सो दैट आपका कम से कम 50% पेपर आपने कर भी लिया और आपने फिल भी कर लिया। अब कैलकुलेटिव पोर्शन पे आप आ रहे हैं, कैलकुलेटिव पोर्शन का सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो टाइम भी आपका सेव होगा, ओएमआर भी फिल्ड होगी आपकी, और आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा कुछ छूट नहीं रहा है। आगे बात समझ में, तो बात क्या है बेटा कि ओएमआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितनी मेहनत करते हैं, तैयारियां करते हैं, एंट्रेंस देने जाते हैं, उस सारी चीजों पर दारो मदार आपके प्रॉपरली फिल्ड एंड करेक्टली फिल्ड ओएमआर शीट पर डिपेंड करता है। तो आपको इस पैटर्न पे, मैंने इसीलिए आपके लिए ड्रॉ करा है, सुना कि कैन आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजों को आप इसी पैटर्न को इसी हिसाब से आप फिल कर सके, दैट इज अ प्राइम मोटिव। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको चीजें समझाई हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे और इसी तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, और फोकस के साथ क्रॉस चेक करने के बाद आप अपने नंबर्स को फिल करेंगे और ओएमआर के सर्कल्स को आप बहुत प्रॉपरली फिल करेंगे, ताकि कोई भी हिस्सा आपका खाली ना रह जाए, पूरा इन सर्कल करना है, ठीक है। तो मेहनत अपनी जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, गिव योर एग्जाम टू द बेस्ट, एंड आई होप अ बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड आई नो दैट यू ऑल हैव द कैलिबर टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जस्ट वन थिंग वॉज लेफ्ट टू मेक यू अश्योर्ड दैट हाउ यू नीड टू फिल आउट द ओएमआर शीट। So best of luck for your exams. Thank you very much.